वैसे तो प्रधानमंत्री आवास में पूरे टीकमगढ़ जिले में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां पर गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल रहा है, वहीं रिश्वत लेकर सरपंच और सचिव के द्वारा अपात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जा रहा है। मोहनगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत केशवगढ़ में एक गरीब मजदूर पिछले 5 वर्षों से अपने परिवार सहित शौचालय में निवास कर रहा है और वह कई बार सरपंच, सचिव और जिले के आला अधिकारियों से प्रधानमंत्री आवास का लाभ लेने के लिए गुहार लगा चुका है, मगर आज तक किसी जिले के अधिकारी ने इसकी सूद नहीं ली। गरीब मजदूर मगन लाल अहिरवार का कहना है कि मैंने जब भी ग्राम के सरपंच व सचिव से प्रधानमंत्री आवास का लाभ लेने के लिए कहा गया तो मुझसे 10,000 रुपये की मांग की जाती है। पिछले 3 दिन पहले जब मैंने अपनी पत्नी सहित सरपंच के यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास का कहने के लिए गया तो सरपंच और सचिव वहाँ पर मौजूद थे। सरपंच ने मुझे जोर से पेट में लात मारी जिससे मैं चबूतरे के नीचे गिर गया और जिससे मुझे गंभीर चोट आई है तथा मुझे सरपंच और सचिव के द्वारा जाति सूचक गाली दी गई है और कहा गया है कि अगर तूने मेरी शिकायत कहीं पर की तो तुझे जान से मार देंगे। मुझे 3 दिन तक गाँव में नहीं निकलने दिया गया। आज मैं जैसे तैसे मोहनगढ़ थाने अपनी पत्नी सहित आया हूँ और मेरे साथ मारपीट की रिपोर्ट मैंने मोहनगढ़ थाने में की है। अगर मुझे मोहनगढ़ थाने से न्याय नहीं मिला तो मैं ऊपर तक जाऊंगा। कहाँ की निवासी हूँ जी? आपके साथ आपके कौन है? हमारे पति। आप लोग अभी कहाँ गए थे? किस लिए? शौचालय सरपंच का नाम क्या है? हाँ, तो क्या बोलते हैं? हमने जी बोला हम कि मकान बनवा के सुपोली कर लगा 10,000 रुपया दिया मकान बनवा लिए तो हम कि हम नौकर था ही मेरे पास जाब की गया पर दूसरी पहला से पे रेलवे स्टेशन में दीपक पड़िया हो पर चले लाते लेकिन अच्छा मार है आसान चोट काई की है बेचार चोट इसी के उन्हें लात मारी से मैं सगेरे गए हाँ मैं सगेरे गए तो पकड़ा हाथ से चोट लगे ना लाते ही हम आते हैं। अब कहाँ गई थी अभी आधी तक दिन? हम बंदे गए थे तो कार्रवाई अगर मोहनगढ़ थाने से नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? आगे नाम? मगन लाल अहिरवार। कहाँ के निवासी हो? किशनगढ़। कौन सी तहसील में आता है? मोहनगढ़ तहसील। आपकी समस्या क्या है और आप जो आवेदन कहाँ देने गई थी? थाने गए थे साहब। क्यों? हमारी समस्या ये है इंदिरा आवास की केवे साहब से कट्टीनों गए सोनू यादव नो जितनी ही हती हमने भैया हमारा बनवा के घर आते जितनी जिस पंजू सरपंच की पर सरपंच राम प्रकाश की हाँ राम प्रकाश की थे हाँ हमने जो इंदिरा आवास बनवा दो 4-5 साल की लेटरिंग में डरी हाँ हमने 10,000 रुपया लिया। अच्छा लेटरिंग में रहती हो आप? आपका आवाज नहीं है? लेटरिंग पसाद नहीं, मकान पुराना हदा खत्म हो गया। कितने साल से रह लेटरिंग? 5 साल से रह। हाँ तो आपने होते कई हमने जाके मकान बनवा दो हाँ अल्ले साले चमड़ा यहाँ आ रहा था गुंडागी जी कहें यार कहाँ से बना दूँ अब मैं लाते ही सुचौतरा से नीचे पड़ गया साहब जी छूट हमारी टूटे आ गए काहे की टूटे हैं जी कर पर लात मारी धैती में गिर गए तो जी हमारी टूटे आ गई सर में और भगा दिया साले कहीं गए तो साले जान से मार के फेंक दें। कौन दिन की घटना है जी? 7 तारीख की है। रिपोर्ट आपने कब करी? हमने आज 10 तारीख को करी। काहे करी इतनी ली? 3 दिन 6 के रहे ना सारे के उनके पास ना रिपोर्ट खुंजा पाए तो 6 के रहे भी थाने ने आपकी रिपोर्ट ले आई और रिपोर्ट ले लीजिए आवेदन दाओ हाँ का कह रहे थाने का जाओ हम देखेंगे कल तुम्हारा कल इलाज करा लें। हाँ। अच्छा अगर मोहनगढ़ थाने में आपकी सुनाई नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? आप नेटी में जाएंगे एफसी साहब में जाएंगे कलेक्टर में जाएंगे साहब हमारी यहाँ डाली रिपोर्ट डाली आवेदन लगा दो। अच्छा जिन लोगों ने सरपंच ने आपको मारा पीटा वो कौन समाज के हैं? यादव है तीन ही जने यादव है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए मोहनगढ़ से अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट।